कोविड-19 टीकाकरण अभियान के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 100% टीकाकरण किए जाने तथा टीका लगने वाले व्यक्तियों को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से फोन कर उन्हें आने के लिए आमंत्रण भी किया। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने निर्देश दिए कि इस अभियान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों का नियमित रूप से प्रशिक्षण कराते रहें, जिससे नई नई चीजों के बारे में जानकारी हो सके। डीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि लोगों में जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाए। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, डॉक्टर एनके पांडे, डॉक्टर माला सिन्हा सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, हम भी एक टाइमलाइन सेट कर दिए हैं कि मेरा इतना डेट इतना नंबर और सिस्टम प्रोग्राम खत्म होगा। यदि वहां 62 लोग हैं तो मेरा वो सोच रहे ना कि वो 2 जो है उसका जो 8 लॉस हो रहा, 3 बजे के बाद वहां से इसमें शुरू हुई, उसमें 8 लोगों को जो उस फैसिलिटी में ही वो हेल्थ वर्कर, वो गार्ड और बाकी लोग हैं, ऐसे लोगों को वहां से आइडेंटिफाई करके ऐड करके और वैक्सीनेट कर उस टोटल भी देंगे। मान लीजिए ड्यूलिस्ट से हो जाए तो ठीक बात है, नहीं तो फिर बफर से करा ले। 100 एग्जास्ट करना शुरू कर दें, तब देखिए एक 100 हर जगह हो नहीं पाएगा। आपको भले ही एक दो जगह पे 100 अचीव करेंगे, बड़ी बात होता है उसपे, बात करेगा उसपे, बट हम लोग को लेके चले सर, तभी सफलता बनेगी इस पे। सर तो बेनिफिशियरी वाइज सर, इसमें यदि कल की सेशन को इमेजिन किया जाए, जब पोर्टल आज भी रुकावट कर रहा है, तो कल नंबर ऑफ लॉगिन्स उतने बढ़ेंगे और वो फिर ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, तो एक ऑफलाइन करा के कराना एक वो चीज। फिर भी इसको ऐसा ओपन रखा जाए कि सारी टीम टो पे रहे, जो डिसीजन हो वो कम्युनिकेट हो एज फास्ट एज पॉसिबल और अचीव कर लिया। नेशन आप जानते हैं पहले ही हम लोग शुरुआत करा चुके हैं, उसके अगले राउंड यानी सप्ताह में 2 दिन कराने के लिए था, उसका राउंड तो कल यानी जो 22 जनवरी के फिर दोबारा शुरू होगा। कल 34 सेंटर में हम लोग करेंगे, करीब 3400 लोग का वैक्सीनेट करेंगे। वैसे आप जानते हैं शुरुआत का फर्स्ट फेज चल रहा है, इस पर तो 22,000 हमारा जो स्वास्थ्य कर्मचारी है और स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, इन्हीं लोग का लगेगा। उसी क्रम पर कल भी होगा, कल भी हम लोग वैक्सीनेशन लगा करके इन लोगों को सुरक्षित करा लेंगे और आगे भी, तो फिर डेट वैसे ही शासन बताएंगे, उसी हिसाब से हम लोग सेशन ऑर्गेनाइज कराएंगे। सर जो पहले वैक्सीनेशन हुआ था, क्या उसमें कोई खामियां नजर आई? हाँ देखिए, ये वैक्सीनेशन हम लोगों को कोविशील्ड आया है, उसका असर बहुत अच्छा है और पिछले 2 दिन का करीब हमारा 1800 को ऊपर लोग का वैक्सीनेट हो चुका है और किसी का हल्की से भी असर नहीं पड़ा है। सीएमओ से लेकर, एडिशनल सीएमओ से लेकर बहुत लोग लगा चुके हैं, उन लोग का अच्छा परिणाम निकला है। ये गलत फहमी और जो गलत जो मैसेज है, झूठी मैसेज है, उस पर अफवाह में बिल्कुल भरोसा मत करिए। शासन ने, सरकार ने सोच समझ करके जो वैक्सीनेशन लाते हैं उसके पहले हज़ारों बार ट्रायल करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर वैक्सीनेशन लगाना शुरू होता है। और यहाँ जो गोरखपुर में अब तक का कहीं भी कोई असर नहीं पड़ा है, किसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मैं आपसे भी आश्वस्त करता हूँ, आप भी आपका बारी आने में ज़रूर लगा दीजिए। वैक्सीनेशन ही हम लोग का कोरोना का बचाव है, एक ही रास्ता है, इसको हमें सहयोग करें।